चलिए आज से पॉलिटिक्स शुरू कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी आज से मैं ले चल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, पॉलिटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी क्या है? जनरल स्टडीज है। पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशन है। आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में इधर का उधर का इधर का उधर का अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ये है वो है, बहुत तरह का रहता है। जब आप पढ़ेंगे मेंस में एक अलग से पेपर पढ़ना पड़ेगा गवर्नेंस, तब वहाँ पे आपको और डिटेल से पढ़ा जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का एक हिस्सा हो जाता है GS Paper 3। आप इतना तो समझ चुके हैं पब्लिक पॉलिटी के बारे में जानना है। आप देखोगेगा इंटरनल सिक्योरिटी आपको जो है पब्लिक गवर्नेंस में आ जाता है, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं PSIR का। पॉलिटी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है संविधान। क्या है जी? संविधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अंग्रेजी में पता नहीं चलेगा, हिंदी में पता चलेगा संविधान सबके लिए बराबर कानून संविधान कहलाएगा। सबके लिए बराबर कानून संविधान कहलाएगा, सबके लिए बराबर कानून संविधान कहलाएगा। यहाँ पर जो है इंग्लिश में डिफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। संविधान किसे कहेंगे? सबके लिए बराबर कानून नियम कानून क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान में बहुतों प्रकार की चीजें होती है। संविधान समझिए क्या है? एक प्रकार की किताब है। संविधान क्या है जी? एक किताब है। जीवन जीने के लिए भारत में कैसे रहना है, किस अधिकारी कैसे करना है, राष्ट्रपति कैसे रहेंगे, प्रधानमंत्री कैसे, मुखिया कैसे, वार्ड कैसे, ये सब जो है उसके अनुसार होगा। अच्छा, संविधान कैसे चलता है? संविधान चलता है अनुच्छेद। संविधान किसके? अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद में अलग अलग भाग है। केंद्र सरकार के लिए एक भाग अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है, पंचायती राज के लिए अलग है। भाग को हम कहते हैं लेसन। भाग को क्या कहेंगे? लेसन। भाग को क्या कहेंगे? लेसन। जैसे आपके मैथ में क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? क्या है? एक आपका जो है लेसन है, इसमें कितना है? 22। कितना लेसन है? 22। उसके अंदर क्या है? अनुच्छेद। उसके अंदर क्या है? अनुच्छेद, यानी इसके अंदर है अनुच्छेद। जैसे आर्टिकल, आर्टिकल है भाग एक। भाग एक में, भाग एक में चार अनुच्छेद है, 1, 2, 3, 4। भाग एक में कितना अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। भाग एक में कितना अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद। लेकिन टोटल अनुच्छेद कितना है? 395। टोटल कितना है? 395। ABCD करके, ABCD करके 400 ले गया है, लेकिन ABCD काहे पढ़ेंगे, वो तो उप अनुच्छेद हो गया। टोटल कितना अनुच्छेद? 395। टोटल कितना अनुच्छेद? 395। ये जरूरी है कि देश में कैसे नियम कानून फॉलो किया जा रहा है। नियम कानून फॉलो नहीं कीजिएगा तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड। पुलिस किस पर काम करती है? IPC के तहत। IPC के तहत इसमें रहता है धारा। क्या रहता है जी? धारा। धारा या सेक्शन। पुलिस कभी भी आपको लेके जाएगी अनुच्छेद के अनुसार नहीं ले जाएगी। ये नहीं कहेगी पुलिस कि आप पर अनुच्छेद 204 लग रहा है। 305 अनुच्छेद कहाँ से लगेगा? वो सीधे लगाएगा धारा। पुलिस क्या लगाएगा? धारा। IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड। राष्ट्रपति काम करेंगे अनुच्छेद के तहत। अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो पुलिस ले जाएगी धारा। पुलिस ले जाएगी किसके अनुसार? धारा। पुलिस केस के अनुसार? कोर्ट के अनुसार। पुलिस उठा के देगी कोर्ट को। पुलिस किसके अनुसार देगी? कोर्ट किसको देगी? पुलिस देगी कोर्ट को CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। जज साहब किसको? CRPC। इसमें भी धारा होता है।
पुलिस जब धारा लगाएगी तो भारतीय दंड संहिता लिखेगी आईपीसी। जज साहब सजा सुनाते हैं वो भी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, वो भी सीआरपीसी, जज सीआरपीसी और भारतीय आईपीसी। कोई सी प्रकार का आप गलती नहीं किए हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद, प्रधानमंत्री अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा अनुच्छेद के अनुसार आप पर काम करें जब तक कि आप अपराध नहीं किए हैं। पंचायती राज काम कर रहा है अनुच्छेद जब तक कि आप गलत नहीं किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किस पर काम करें अनुच्छेद अनुच्छेद। पुलिस जो है अपने अनुसार काम कर रही है लेकिन जहां गलती की है आपको उठा ले जाएगी आईपीसी की धारा, और कोर्ट में जाइएगा तो सीआरपीसी की धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। किसी को आप मारे धाएं, किसी को गोली मार दिए तो लग जाएगा धारा 302, किसी को बंदूक से धाएं दे मार दिए उड़ गया 302, मर गया 302, अगर किसी को मारे आप बच गया उस ससुरा तो 307, मारे बच गया 307, अब मारे मर गया 302। किसी को बोले कि तुम मर जाओ जीने में क्या फायदा है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करा दीजिए। अलग अलग प्रकार से धारा है, हत्या के प्रकार है अलग अलग प्रकार से। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी बहुत खराब है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी बहुत खराब है। तो अलग अलग तरह से जो हत्याएं होती है, किसी को बंदूक से मारे मर गया 302। कोई लड़का लड़की सुसाइड कर लेता है, महिला में सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इमोशनली ज़्यादा हो जाती है। लड़का सब जो है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बचपने से इतना लात खैले होता है कि उसको पता नहीं चलता है क्या है, वो उसको टॉर्चर झेलना है। लड़का जाति जो है ना बहुत बेकार है, लड़का ढिठा जाता है, कैसा घटना तो डेली है, चलते रहता है, आदत है। लड़की सब इमोशनली होती है, उसको उतना जो है समझ ही है, हमको कैसे बोल दिया, हमको कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, हम मुंह फुला लेंगे ये बताओ। अच्छा अभी लड़का, क्या लड़की मुंह फुलाती है तो आपको पसंद है? नहीं ना, नहीं पसंद है। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं ना। जज, जज साहब आपको जमानत देंगे? सीआरपीसी, ये बड़ा खचड़ा है, सीआरपीसी के अनुसार खचड़ा है, जेल में डालिए। अगर जेल में जज साहब डाले तो पुलिस के मार से बच गए, क्योंकि जेल के अंदर दूसरा पुलिस होती है, उसे जेल पुलिस कहा जाता है, और वो कंट्रोल होती है जेलर के अंतर्गत। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या किए हैं, खाना पानी सब कुछ मिलेगा। अगर जज साहब को लगा ये बड़ा खचड़ा है तो पुलिस को देते हैं, इसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। और आप जानते हैं पुलिस रिमांड में ही गाड़ी पलटा था विकास दुबे का, समझे ना, पुलिस रिमांड में ही गाड़ी, जितना गाड़ी पलटता है सब पिटाया है पुलिस रिमांड के कारण। पुलिस रिमांड में आपका गया तो पुलिस रिमांड से कोई डरता है। जुडिशियल रिमांड का मतलब होगा कि जेल में भेजना, जुडिशियल रिमांड में भेजना, जेल में भेजना, जेलर में जो है जेल पुलिस देखेगा, वो जो है कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जिला पुलिस जो है वो नहीं मांगेगी, आप जेल जेल पुलिस से जेलर से जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं पूछेगा। एसपी को औकात नहीं है कि जाके जो है जेलर से मांग ले उस कैदी को, तो छूदे कहेगा जेलर कि जाइए कोर्ट से पूछिए। और कोर्ट जो है ना किसको फॉलो करेगा? सीआरपीसी को। अगर सीआरपीसी के अनुसार जो है कोर्ट ही दे सकती है। अब बताइए आराम किस में है, जेल में है कि कहाँ है? अरे पगला, जेल में आराम है? नहीं, जेल में आराम नहीं, पढ़ाई में आराम है। पगला सब जो है ना, अरे आराम जेल में है, जेल जो है बहुत खतरनाक होता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, जेल में हमारा बहुत प्रॉब्लम है। जो पुरनका को दिया होता है खतरनाक हो जाता है सर, मर्डर कर ले है, किसी का घर जला दिया, किसी का बिल्डिंग उड़ा दिया, वो जेल में भी आता है तो मार धार मार पीट करते रहता है। नया नया जाइएगा बोले इधर इधर पैर दाब मुड़ी दाब पीट दबा नहीं तो मार तो मचा दिएगा। है पगला रे, अब क्या खींचेगा, किसको बोलिएगा, चार आठ दस को मिलेगा मारेगा दो थोपी काने फटा देगा। और उसके बाद जो है पैर दबा दिए, फिर जो है दूसर बोलेगा अरे उसका दबा दिया, मेरे पास आ बाबा मेरा दबा मारेगा इतना ना, बहुत दिक्कत होता है।
इसलिए जेल की लाइफ बहुत खराब होती है। हाँ, लेकिन पैसा है तो अंदर कैंटीन भी है, लाइब्रेरी भी रहता है। जो केजरीवाल देखोगे लाइब्रेरी का फायदा उठाए, आप जो है ये किताब पढ़िए लाइब्रेरी में, उसमें जो है खाना खाइए, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जेल जो है बहुत उसके लिए दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल गए तो जो है किताब पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो जो है जेल में जो ऐसे सर आता है, तुमने क्या देखा कि संविधान जो है अनुच्छेद के तहत यानी भाग के तहत एक भाग में, जैसे कि हमारा पहला भाग में चार अनुच्छेद है, पुलिस जो है आईपीसी के तहत और जो है जज जो है सीआरपीसी के तहत। तो लेकिन आपको अभी कौन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। कुछ हद तक जो है आईपीसी में भी पढ़ सकते हैं आईपीसी, लेकिन अगर आप जो है ट्रेनिंग में जाते हैं तो आईपीसी में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में बताएगा। अगर आप जज करना चाह रहे हैं, वकालत करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है दोनों का जरूरत है। आपको जो है वकील के लिए आपको दोनों को जरूरत है, वकालत के लिए भी दोनों की जरूरत है। तो हम लोग आते हैं संविधान में, देखते हैं टोटल कितना भाग है, 22, अनुच्छेद कितना है 395। लेकिन कुछ अनुसूचियां भी है, अनुसूचियां भी है। अनुसूची कितना है जी, 12। अनुसूची कितना है, 12। अनुसूची 12 है, अनुसूची। अगर आप संशोधन करके अनुच्छेद जोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जब भी आप अनुच्छेद में जोड़िएगा किसी ना किसी भाग का हिस्सा होगा। अगर भाग एक में कितना अनुच्छेद, 4, भाग एक में कितना अनुच्छेद, 4, भाग एक में कितना अनुच्छेद, 4। अगर अनुच्छेद में आप संशोधन कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अनुसूची में क्या है, जो भी है एक्स्ट्रा है चिपका दो। बड़का बड़का चीज को एक बार अनुसूची में जोड़िए। अब ध्यान दीजिए, 40 को 50 को जोड़ना है, शिक्षा पर जो है डिजिटल शिक्षा पर सब अलग से लाइए, अनुसूची में चिपका दीजिए। 12 के जगह क्या बना दिए, 13 बना दीजिए, 14 बना दीजिए। मतलब आपको अनुसूची में चिपका देना है। अनुच्छेद हो गया इसमें बड़का चीज जिसमें जो है ज्यादा प्रभावित हो, खूब संशोधन किए तब इसमें जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद में और भाग में आप थोड़ा सा भी कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तुरंत क्या करेगा, जांच बैठा देगा। अनुसूची में क्या हुआ, कुछ भी लाए चिपका दिए। शुरू शुरू में 8 ही अनुसूची था, शुरू शुरू में आठ था, अब कितना हो गया, 12। शुरू शुरू में 8, अब कितना, 12। टोटल कितना भाग, 12। टोटल कितना भाग, 12। अनुच्छेद कितना, 395। अनुच्छेद कितना, 395। अनुसूची कितना, 12। अनुसूची कितना, 12। अनुसूची कितना, 12। सबसे कम आपको क्या दिख रहा है, अनुसूची। सबसे कम कौन दिख रहा है, अनुसूची। सबसे कम क्या दिख रहा है, अनुसूची। तो आइए हम पहले अनुसूची को निपटाते हैं। इसी को बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल। अब ध्यान, जब आइए अनुसूची, लास्ट में कुछ मैं धारा आपको बता दूंगा। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में जाइएगा तो आपको जो है वहाँ सब सिखाएगा, और फॉरेंसिक जांच भी होता है, वो सब ट्रेनिंग में सिखाएगा। मैं तो यहाँ सिखाऊंगा नहीं, अगर सिखाऊंगा तो लगेगा आविष्कार करने कि कोई कैसे हत्या किया है तो कैसा हूँ। मार धाड़ में हत्या किया है तो नोचाया होगा, बाल गिरा होगा। अगर कोई फसिर लगाया है तो, अगर ऊपर से लगाया है तो ऐसे होगा। उसमें युवाकार भीवाकार का होता है। फांसी लगाने पर जो यहाँ पर ही नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पढ़ाएंगे वो सब आपको कहा है, ट्रेनिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है। यहाँ पर सबसे छोटा हमारा अनुसूची है, सीआरपीसी हमारा जो है किसके लिए होता है, जज के लिए होते हैं। अनुसूची कितना, 12। शुरू में कितना, शुरू में कितना, 15। अनुसूची एक कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। यूनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। यूनियन की एक खासियत होती है, समझिए उसके बाद समझ में आ जाएगा।
ध्यान दीजिए अनुसूची वन क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ का अंग्रेजी होता है यूनियन, संघ का क्या होता है यूनियन समझिए। अब यहां देखिए एक होता है फेडरेशन, क्या होता है जी फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन। ध्यान दीजिए यूनियन क्या मतलब होता है, कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं होगा, यूनियन में कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं होगा। क्या बिहार कभी अलग होगा, नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, कश्मीर अलग होगा, नहीं होगा। तुम चलाते रह गए पत्थर, हम हटा दिए 370 है नहीं, तो कश्मीर में देखो ये अमित शाह, अरे अमित शाह मुंडी वाला कब क्या कर दे, कुछ नहीं। पाकिस्तान बोलते रह गया कश्मीर हमारा है, और एक समय था पाकिस्तान के लोग कहते थे, पाकिस्तान के लोग कहते थे जिंदाबाद, अब आते हैं जिंदा भाग, जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं जिंदा भाग, भाग जिंदा भाग, क्या बोलते हैं जी जिंदा भाग बोलते हैं, जिंदा भाग। तो क्या यूनियन में बिहार हो गया कश्मीर हो गया, क्या ये अलग होगा, नहीं ना। तो 370 हम लोगों ने हटवा दिया, ये अमित शाह जो है बड़ा मुंडी वाला, ये कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है भाई। तो आप देखे होइएगा, याद कीजिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कश्मीर नहीं लाएंगे, ये लोग वही है जिनको लगता है हम नहीं लाएंगे, जो गांव में जिंदगी बिताए नहीं है। अरे गांव में लोग गोबर जहां रख देता है, लोग गोबर रख दिया उसी का हो जाता है, चिपरी पात के लगा दिया उसी का हो जाता है, वो किसी और का नहीं होता है। आपको समझ में आ गया, तो आएगा। और जिसके खेत में हमारे गाय का खुत्ता ठोका गया वो खेत हमारा, उसके बाद से आप जाइए सीआरपीसी में 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमा लड़ते रहिए, तब तक हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग को लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग को यह भी लगता था कि 370 नहीं हटेगा। अरे भाई हटा ना, सब लगने लगेगा, समझ में आ रहा है ना, आ गया ये। तो भारत क्या है जी, राज्यों का संघ है, यूनियन क्या है जी, यूनियन। अब ध्यान दीजिए कॉन्फेडरेशन क्या है और फेडरेशन क्या है। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है जर्मन टूट जाए, कॉन्फेडरेशन का मतलब जर्मन टूट जाए, सार्क देश है, सार्क 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 है, जर्मन करे तब टूट जाए, आसियान आसियान सार्क है, आसियान जर्मन तब टूट जाए, सार्क हो गया आसियान हो गया जर्मन तब टूट जाए, सार्क हो गया आसियान जर्मन टूट जाए। अब फेडरेशन में होता है टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। जैसे यूएसएसआर 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 ये कितना देशों में, 15 देश में टूटा, जिसका सबसे बड़ा देश कौन था, रूस, जिसका सबसे बड़ा देश कौन था, रूस था। फेडरेशन भी टूटेगा, फेडरेशन भी टूटेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल से, आ ये जो है आसानी से टूट जाएगा। भारत क्या है, यूनियन, भारत क्या है, यूनियन। भारत जब आजाद हुआ था 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे, 505 सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन को जिम्मेवारी दिया गया, सरदार पटेल और बीपी मेनन को जिम्मेवारी दिया गया कि आप जो है 552 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाइए, छोटे छोटे टुकड़ों को। बिहार में आप देखोइएगा, मुजफ्फरपुर का अलग था, भभुआ का अलग, दरभंगा का अलग, आरा के अलग, दिसपुर के अलग, मतलब कि बिहार में सब बटल था, अवध अलग, फलना अलग, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का, भारत कहाँ गया, बिखरा हुआ था भारत, क्या हुआ था जी, बिखरा हुआ था भारत, क्या हुआ था जी, बिखरा हुआ था भारत, यहाँ क्या था, बुनिया बुनिया में बिखरा हुआ था। सरदार पटेल क्या कर दिए, ठोक के लड्डू बना दिए, ठोक के लड्डू बना दिए, सब बुनिया में छिटाइल था सर, मारे पकड़ के लड्डू बना दिए, लेकिन ये गलती हो गया, बुनिया पूरा बना, पूरा लड्डू बन गया, बुनिया बुनिया में छिटाइल था, गलती यही हुआ कि लड्डू छोट हो गया, और अगल बगल से मिला के थोड़ा बड़का लड्डू का लड्डू बना देते तो दिक्कत नहीं होता।
मिला के लड्डू बना देते, तो सरदार पटेल और बीपी मेनन जो है मिला के क्या बना दिए, लड्डू बना दिए। क्या बना दिया? सरदार पटेल को बड़ा दिक्कत हो रहा था, भाई 552 हम ना मिलता, हम ना मिलता। सरदार पटेल बोले, मिल जाइए, क्या दिक्कत है, आप जब अलग होना चाहेंगे हो जाइएगा, आपको जब अच्छा नहीं हट जाइएगा, साइन कर लीजिए। सरदार पटेल ने यूनियन पर साइन करा लिया। सरदार पटेल किस पर साइन करा लिए? यूनियन पर। अरे ससुरा, तू तो कर लिया यूनियन पर, निकलेगा कैसे? यूनियन का मतलब आप नहीं जा सकते हैं। अगर कोई भी राज निकलना चाहेगा यूनियन से, केंद्र सरकार सीधे एक्शन में आ जाएगी। क्या बिहार में देखे होइएगा, बिहार की ये केंद्र सरकार सेना नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सेना लगती रहती है। आरआर, राष्ट्रीय राइफल। आरआर का नाम सुन के आतंकवादी का हालत खराब। आरआर बड़ा खतरनाक है सब। अब जो एसएफ, पारा एसएफ, आरआर, आरआर ये जो बहुत खतरनाक है। कौन कौन? एसएफ है और आरआर है। आरआर राष्ट्रीय राइफल इतना मारता है, 10 साल जब ड्यूटी लगेगा कश्मीर में तब आपको भेजेगा आरआर, ऐसा नहीं भेजेगा। काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे आगे रहते हैं। बड़ी दिक्कत था सरदार पटेल को, दिमाग लगाए, यानी पूरा को मिला के लड्डू बना लिए, साइन करा करा के। तो इसमें जो है वो कर लिया लो, अब मिल भी गया। यहाँ एक सीख मिलता है कि साइन करते वक्त सावधानी रखिए, कब क्या हो जाए नहीं जानते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। सरदार पटेल जी सबको क्या लगा दिए? चूना लगा दिया, अच्छा कर दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अनुसूची क्या कहता है? राज्यों का संघ है। अनुसूची क्या कहता है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। कितने राज्य है? 28। कितने राज्य है? 28। कितने राज्य है? यूनियन टेरिटरी कितना है? यूनियन टेरिटरी 8 है। यूनियन टेरिटरी कितना है? यूनियन टेरिटरी कितना है जी? 8। यूनियन टेरिटरी कितना है जी? 8। यूनियन टेरिटरी कितना है? 8। राज्य कितना है? 28। राज्य कितना है? 28।